वैसे तो साल का पहला महीना है और आपका हो सकता हो न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी यही रहा हो कि इस साल एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, लेकिन प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़े हैं कि आप रिसर्च कर थक गए होंगे, लेकिन आपको चीप पार्ट्स कहीं भी नहीं मिले होंगे। वेल, आज इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस समय गेमिंग पीसी बिल्ड करना क्यों एक बैड आइडिया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी कंटेंट मिस ना करें। चलिए अब बात कर लेते हैं गेमिंग पीसी आपको अभी बिल्ड क्यों नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके काफी सारे रीजंस हैं, तो हमने सारे रीजंस को कलेक्ट करके इस वीडियो में बताना चाहा आपको। वन बाय वन आपके सामने सारे रीजंस आपको बताएंगे ताकि आप एक अच्छे टाइम पर एक बेहतरीन पीसी बिल्ड करें और अपना अच्छा खासा मनी सेव कर लें। तो सबसे पहले रीजन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा टाइम। दोस्तों, ये टाइम इतना ज्यादा खराब चल रहा है कि DDR4 रैम के प्राइसेस जो हैं, रैम तो छोड़िए लगभग हर कंपोनेंट के जो प्राइसेस हैं, वो काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। DDR4 रैम के प्राइसेस सिर्फ इसलिए नहीं बढ़े कि माइनर्स उनको खरीदना चाहते हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि वो जितनी ज्यादा डिमांड चल रही है DDR4 रैम की, जो वो सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे। आप ही की तरह कई सारे लोग हैं जो गेमिंग पीसी बनाना चाहते हैं। आज के टाइम पे वैसे भी 8GB एक सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट बन गई है, तो हर बंदा चाहता है कि एटलीस्ट 16GB तो अपने सिस्टम पर लगाए। ये क्राइसिस दोस्तों कभी जिंदगी में सॉल्व होने वाला नहीं है जब तक DDR5 लॉन्च नहीं होगी। तो अगर आप DDR4 बेस्ड सिस्टम बनाने की सोच रहे हो तो एटलीस्ट आपको 3 महीना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सैमसंग ने कहा है कि वो DDR4 रैम का प्रोडक्शन भी स्टार्ट करने वाली है इन फ्यूचर। तो हो सकता हो मे भी तब प्राइसेस थोड़े से डाउन हो जाए। दूसरा रीजन है दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड। माइनर्स वैसे भी सारे हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड को वैसे भी हत्या ही चुके हैं, बचा 1050 Ti और 1050, तो बचे कुछ बजट गेमर्स ने उनकी कसर पूरी कर दी। यहाँ पर कंपनीज अपना बेस्ट दे रही हैं कि माइनर्स ज्यादा से ज्यादा कार्ड ना ले जाएं, इस वजह से उन्होंने 1 कार्ड पर पर्सन पर भी कंडीशन लगा दी है। तो लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा डिमांड है कि कंपनीज पूरी नहीं कर पा रही हैं, तो इस वजह से भी कह सकते हैं इसके प्राइसेस डाउन शायद ही कभी हो। अब बात कर लेते हैं तीसरे रीजन की। दोस्तों, ये हमारा जो रीजन है ये सबसे एंटीक रीजन है, जिसपे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रुकना ज्यादा अच्छा है, कि राइजन जो है वो नई सीरीज अपनी लॉन्च करने वाला है। अगर आप राइजन बेस्ड सिस्टम बनाने जा रहे हो तो एक बैड आइडिया है, आप रुक जाएं, नए आर्किटेक्चर पर अपना पीसी बिल्ड करें। कहा जा रहा है कि राइजन 2.0 जो आने वाला है उसकी प्राइसेस भी कम होंगी, प्लस परफॉर्मेंस भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इंटेल साइड पर है कॉफी लेक पर सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो वैसे भी आपको पता ही होगा कि बजट कॉफी लेक के मदरबोर्ड जल्द ही रिलीज होने वाले हैं। इस समय फिलहाल हाई एंड मदरबोर्ड मार्केट में है, उन पर 10-12 हजार रुपए खर्च करने से अच्छा है एक महीना आप थोड़ा सा वेट कर ले, तो आपको यहाँ पर चीपर मदरबोर्ड्स 6,000-7,000 रुपए वाले मदरबोर्ड्स में देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट रीजन दोस्तों यही है कि आपने वैसे भी देखा होगा कि जिस तरह से क्रिप्टो माइनिंग में गिरावट देखने को मिली है, जो प्राइसेस है बिटकॉइन के वो आधे हो गए हैं, तो आधे से ज्यादा बिटकॉइन माइनर्स माइनिंग बंद करने की सोच रहे हैं, तो वो अपना हार्डवेयर अपने सेकेंड हैंड मार्केट में लगाएंगे। ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप सेकेंड हैंड या यूज्ड पार्ट का एक सिस्टम बनाना चाह रहे हो। वेल, तो दोस्तों ये थे हमारे सारे रीजंस जिसको मैंने कलेक्ट करके आपको एक वीडियो में बताया। अगर आप एक आइडियल सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो और ज्यादा ओवर प्राइस नहीं जाना चाहते हो, तो एटलीस्ट मार्च तक का आपको वेट करना मुनासिब रहेगा कह सकते हैं। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।